दोस्तों आज के इस वीडियो में ये है मेरे पास 8.5 इंच एलसीडी राइटिंग टेबलेट। इस राइटिंग टेबलेट की अनबॉक्सिंग एक साल पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन उस वाले वीडियो पे लोगों के बहुत सारे डाउट देखने को मिले मुझे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल कमेंट करके पूछा था, तो चलिए आज उन सारे सवालों के जवाब, जैसे कि यार इसका साइज क्या है। तो इसका 8.5 इंच इसका साइज है, और कुछ लोग बोल रहे थे कि यार यदि इसमें जो सेल लगा हुआ है वो घूम जाता है, सॉरी ख़त्म हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यार इसमें जो पेन का कलर है वो चेंज हो सकता है क्या। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यार डाटा सेव हो सकता है क्या। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि यार यदि पेन कहीं खो जाए तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं क्या। मतलब कि आपके सारे डाउट सारे सवाल इस वाले वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी फटाफट से एक क्विक अनबॉक्सिंग कर देते हैं, क्योंकि इस वाले राइटिंग टेबलेट को मैंने अभी मंगाया है और कुछ लोग इस राइटिंग टेबलेट को पहली बार देख रहे होंगे। तो एक शॉर्ट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं एक मिनट से भी कम की, और उसके बाद बात करते हैं आपके सारे कमेंट्स की। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। सो गाइस, इस प्रकार की बहुत ही शानदार बॉक्स पैकिंग के साथ आपको ये एलसीडी राइटिंग टेबलेट देखने को मिल जाता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली, नो पेपर नो चॉक। और यहाँ पे पेंटिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्टी प्रैक्टिस कैलकुलस के लिए, आपके बच्चों के लिए तो यार बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट हो सकता है ये। और बॉक्स के ऊपर आपको लिखा देखने को मिल जाता है, इजी राइटिंग, अ की टू क्लियर, 2 ईयर बैटरी, सूट स्टोरेज, सेव 3 ट्रीज। मतलब कि यार जब आप इसका यूज़ कर रहे होंगे, आपके बच्चे इसका यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि ट्रीज बचेंगे, क्योंकि यार जो पेपर होते हैं वो ट्रीज से ही बनते हैं। और बैक साइड में आपको बहुत कुछ लिखा देखने को मिल जाता है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लिखे देखने को मिल जाएंगे। तो यार यहाँ पे बॉक्स पैकिंग उतनी तगड़ी नहीं दी हुई है, क्योंकि इसके पहले हमने जब अनबॉक्सिंग किया तो आपको बॉक्स पैकिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, बट यहाँ पे इसके ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसके पहले जब अनबॉक्सिंग किया था मैंने तो यहाँ पे आपको एक पैकिंग देखने को मिली थी, वो यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये है वो एलसीडी राइटिंग टेबलेट जिसकी अनबॉक्सिंग आप लोगों ने एक बार पहले भी देख चुका है। ये पेन है, यहाँ पे आपने लिखा, इस प्रकार से आप यहाँ पे कुछ भी ये इरेज बटन से इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लॉक की बटन देखने को मिल जाती है, जब आप इसे लॉक कर देंगे तो उसके बाद यदि आप कुछ लिखेंगे भी तो ये इरेज नहीं होगा इस वाले बटन को प्रेस करने के बाद भी। तो बस यही दो चीज़ें आपको इस वाले बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने आज तक की सबसे छोटी अनबॉक्सिंग तो देख ही लिया, अब बात करते हैं आपके कमेंट्स की, आपके डाउट्स की, आपके सवालों की। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था प्राइस को लेके कि यार शॉपी पे इतने का मिल रहा है, मीशो पे इतने का मिलता है, फ्लिपकार्ट पे इतने का मिलता है, अमेजन पे इतने का मिलता है। तो सभी जगह प्राइस अलग अलग हो सकते हैं। मैंने खुद इसे 150 रुपये का मंगाया था मीशो से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब यदि आपको कहीं पर इससे कम में मिलता है तो आप वहाँ से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये जो प्रोडक्ट कोड दिख रहा होगा इसे डाल देना है। कभी कभी आपको मीशो पे 200 रुपये का भी देखने को मिलता है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आपको अलग अलग प्राइस देखने को मिलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर आपको प्राइस कम लगे आप वहाँ से ले सकते हैं, हो सकता है आपको मार्केट में भी कम में मिल जाए, यार अब तो प्राइस की आप छोड़ ही दो। तो प्राइस सभी जगहों पे अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे डाउट नंबर 1 था कि यार इसकी यदि पेन कहीं खो जाए तो हम क्या करेंगे। तो अब यार सिंगल पेन तो इसकी नहीं मिलेगी, इसमें जो आपको पेन मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको पेन मिलती है ये शायद ही कहीं मिलेगी, बट आप किसी और चीज़ से, जैसे कि जो आपको एक पेन मिलती है मार्केट में लिखो फेको बोल के, आप उससे भी लिख सकते हैं। मतलब कि आपको उस वाली पेन या फिर किसी भी पेन की निब निकाल देना है और उसके बाद आप इस वाले राइटिंग टेबलेट में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी हार्ड चीज़ से लिख सकते हैं जो कि पेन जैसी होगी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें आप उससे लिख सकते हैं यदि आपकी ये पेन कहीं खो जाती है तो। आपका ये भी सवाल क्लियर, आपको जवाब मिल गया होगा। अब यहाँ पे डाउट नंबर 2 ये था कि यार इसकी जो सेल, इसके अंदर जो बैटरी रहती है वो यदि डिस्चार्ज हो जाए तो हम क्या करेंगे, यार चेंज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, ये कब तक चलेगा। तो बैटरी लाइफ इसकी मैंने 1 साल से जब से मंगाया है आज तक इसका सेल चेंज नहीं किया है, तो बैटरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। 1 साल हो गया अभी तक मैंने इसकी सेल चेंज नहीं किया है, बैटरी चेंज नहीं किया है। तो बैटरी लाइफ का आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, और यदि आप चेंज करना भी पड़े तो 10 रुपये का सेल आता है, आप चेंज कर सकते हो। कहाँ से चेंज करना है तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आपको पीछे में सेल का सॉकेट देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सेल भी देख लीजिए, आपको इस प्रकार का एक सेल लेना होता है 10-20 रुपये आपको मिल जाएगा मार्केट में। यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यार यहाँ पे क्या मैं डाटा सेव कर सकता हूँ, तो डाटा सेव नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जो बटन दिख रही है आपको, जैसे इसे प्रेस करेंगे तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 टाइम के लिए डाटा सेव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, उसके बाद आपको बैक साइड में एक बटन देखने को मिलती है, इसे आप प्रेस करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसे स्लाइड करेंगे लॉक के साइड में, तो यहाँ पे आपका डाटा लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसे
इरेज नहीं कर पाएंगे, यहाँ बटन दबाएंगे भी तो इरेज नहीं होगा, आप फिर उसके बाद लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ है। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि यार इसकी जो पेन का कलर है क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे एक कलर, जैसे कि यहाँ पे आपको दो कलर के अलग अलग कीबोर्ड देखने को मिल रहे हैं, सॉरी टेबलेट देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे दो अलग अलग कलर की पेन है, उसके बाद भी लिखा तो एक ही कलर से रहा है ना, तो यहाँ पे आप कलर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये आपके वो डाउट थे, वो सारे सवाल थे जो मोस्टली लोगों ने पूछा था। हर तीन चार कमेंट के बाद ये कमेंट मुझे देखने को ही मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बना दिया जाए। और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यार कुछ और सवाल होगा तो, मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ तो क्या मेरे लिए ये ठीक हो सकता है। तो देखिए ऐसा है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए मैं इसे बेटर मानूंगा, क्योंकि ना देखिए इसमें ना आपको डाटा सेव करने कोई ऑप्शन देखने को मिलता है, ना आप इसमें कोई बड़े बड़े मेथ बना सकते हैं, या फिर आप कुछ भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं, आप रफ कार्य कर सकते हैं, बहुत ही छोटा मोटा, बड़ा काम नहीं कर सकते। तो मैं बच्चों के लिए इसे बेस्ट मानूंगा। यदि आपके बच्चे नर्सरी में हैं तो आप उनके लिए बिल्कुल ले सकते हैं, उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कोई कि यार मैं 10th क्लास में हूँ रफ के लिए, तो आप रफ के लिए बिल्कुल यूज़ करिए, आपके छोटे मोटे मेथ आराम से बन जाएंगे, लॉन्ग बड़े मेथ तो नहीं बनेंगे, छोटे मोटे मेथ की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद देखते हैं कोई कमेंट होगा तो। यहाँ पे कोई ये भी पूछ रहा है कि यार क्या मैं इसमें नोट्स सेव करके रख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल आप इसमें नोट्स सेव करके नहीं रख सकते, आप इरेज करेंगे तो काम भारी हो जाएगा। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि इसे मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, मोबाइल से आप इसे कनेक्ट नहीं कर सकते। कोई ये पूछ रहा है क्या इस वाली पेन का यूज़ मैं अपने फ़ोन में कर सकता हूँ क्या, तो देख लेता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे टेबलेट में भी ये वर्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पे सारे सवालों के जवाब आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कुछ और सवाल हो जाता है, रह जाता है, तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी, TechStarRB, आपको फॉलो कर लेना है, मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वापस से बोल रहा हूँ फॉलो कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स भी दिया हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।